Hello guys, in the last lecture we started talking about NCERT questions. NCERT questions शुरू किए थे हम लोगों ने, आठ questions, as I remember, आठ questions हमने complete किए थे. In this lecture we will go further. Before that, one student has asked me a doubt, so we'll clear that doubt and then we'll go further. The question was, there is a system like this. यहाँ पे एक सिस्टम है जिसमें से ये है 1 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है. और ये वाला जो है ये 2 वोल्ट्स का बैटरी है. एंड द क्वेश्चन आस्क्ड वाज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू चेक व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन these three resistances. तो मुझे यहां पर समझ में आ जाता है कि all these three resistances are in a series. ये सारे के सारे resistances series में हैं. अगर ये सारे resistances series में हैं, तो इनका net combination क्या होगा? R is equal to R equivalent is equal to क्या होगा? R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3, which is nothing but 1 plus 2 plus 3, which is nothing but 6 ohms. ये वाला जो है, ये वाला उसका नेट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है, इस वाले सर्किट को मैं चेंज कर सकता हूं. कैसे? यहां पे ये मेरा 2 वोल्ट्स का सप्लाई एंड यहां पे मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस. दिस इक्वेशन, सॉरी, दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस सर्किट. ये दोनों सर्किट एक दूसरे से इक्विवेलेंट है. अगर ये दोनों सर्किट एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट होगा वही करंट इस सर्किट में होगा. तो इस सर्किट में कितना करंट होगा? तो मुझे पता है, सिंपल सी बात है, यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं. ये वी पता है, आर पता है, क्या फाइंड आउट करना है? आई. सो आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट. सो वी कितना है आपका? 2 डिवाइडेड बाय आर कितना है आपका? 6. सो विच इज नथिंग बट 1/3, विच इज नथिंग बट 1/3. सो 1/3 एम्पियर्स करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट. तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट जा रहा है? 1/3 एम्पियर्स. इसमें से 1/3 एम्पियर्स, इसमें से 1/3 एम्पियर्स. सीरीज में करंट सेम होता है, मैंने आपको बोला था. सीरीज में अगर करंट सेम होता है तो तीनों में से सेम करंट जा रहा है. तो ये वाला जो 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है, यहां से करंट कितना जा रहा है? 1/3 एम्पियर्स. इसमें यहां से कितना करंट जा रहा है? 1/3 एम्पियर्स. यहां से 1/3 एम्पियर्स. इस रेजिस्टेंस में से 1/3 एम्पियर्स, इस रेजिस्टेंस में से 1/3 एम्पियर्स. यानी पूरे सर्किट में 1/3 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है. अगर पूरे सर्किट में 1/3 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? 1/3. सो अगर उसमें से 1/3 करंट फ्लो हो रहा है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है, तो मुझे वी फाइंड आउट करना है. तो मुझे पता है वी इज इक्वल टू आई आर, अगेन ओम्स लॉ. सो सिर्फ ये वाला जो रेजिस्टेंस है वी 3 ओम, इसके अक्रॉस वाला पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वी 3 ओम इज इक्वल टू, उसमें से करंट कितना जा रहा है? 1/3 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम्स. सो विच इज नथिंग बट 1 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस. इसके अक्रॉस का निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस कितना होगा? इसके थ्रू करंट कितना जा रहा है? 1/3. इसकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम्स. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 2/3. इसके अक्रॉस कितना है? 1/3. इसके अक्रॉस 1/3 होगा. सो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल 3 रेजिस्टेंसेस कितना होगा? इसके थ्रू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 1/3 वोल्ट प्लस इसके थ्रू कितना जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. सो 2/3 वोल्ट प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1 वोल्ट. सो 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा? 1/2 प्लस 3/3, 1 होगा. और ये 1 प्लस 1, 2 वोल्ट्स. यानी जितना सप्लाई हो रहा है उतना ही इन तीनों के अक्रॉस कंज्यूम हो रहा है. दैट्स व्हाट आई मीन. यानी याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो सप्लाई होता है, वो सप्लाई जितना देता है उतना का उतना कंज्यूम होता है, वेदर इट इज एनर्जी, वेदर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. वोल्टेज जितना ये देगा उतना वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस होना ही चाहिए. उल्टा भी सही है कि इन तीनों के अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना ही वोल्टेज इसके थ्रू यहां पे होगा. जितना दे रहा है उतना लिया जाएगा, जितना सप्लाई किया जाता है उतना का उतना कंज्यूम होगा, ठीक है. और एक डाउट आया था मेरे पास, विल गो बेटर. ठीक है, ठीक से देखना.
तीन रेजिस्टेंसेस हैं, इस रेजिस्टेंस का आर वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस का आर वैल्यू है, इस रेजिस्टेंस का आर वैल्यू है, लेकिन कनेक्टेड कैसे हैं? ये यहां से यहां पे कनेक्टेड है, ये यहां से लेके यहां पे कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, ठीक है ना। सो ये वाला ए है, ये वाला बी है, सो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस पूछा है। अब यहां पे देखा जाए तो ये आर 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 ये दिखते वक्त सीरीज में दिख रहे हैं, लेकिन सीरीज में है नहीं। क्यों सीरीज में नहीं है? बिकॉज सीरीज के लिए मैंने दो कंडीशंस बोली थी आपको। पहली कंडीशन होती कि उन दोनों में सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन चाहिए, और दूसरा दोनों का एक ही टर्मिनल कॉमन चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि दोनों में से सेम करंट फ्लो होना चाहिए। अगर करंट यहां से यहां पे आना शुरू हुआ तो यहां पे डिवाइड होगा, ओके फाइन। लेकिन जैसे यहां से आएगा, यहां पे करंट अगेन ऐसे डिवाइड होगा। इसका मतलब जितना करंट इस आर में से जा रहा है उतना करंट इस आर में से नहीं जा रहा है। सो इसका मतलब ये करंट और ये करंट अलग अलग, इसका मतलब वो दोनों सीरीज में नहीं है, वो दोनों सीरीज में नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल एग्जांपल है, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, हॉर्स में से है। सो ये वाला एग्जांपल कैसे सॉल्व किया जाता है? तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने स्मॉल ए कहा, ये वाला जो पॉइंट है उसको स्मॉल बी कहा, ये वाला जो पॉइंट है उसको स्मॉल सी कहा, ये वाला जो पॉइंट है उसको स्मॉल डी कहा, ठीक है। तो आप यहां पे ठीक से देखोगे तो ए और सी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बी और डी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर ए और सी डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो इसका मतलब उन दोनों को मैं एक ही जगह पे लूंगा तो चलेगा? यस एब्सोल्युटली चलेगा, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल सेम है। वैसे ही बी और डी का पोटेंशियल सेम है, बी और डी का पोटेंशियल अगर सेम है तो दोनों को अगर एग्जैक्टली सेम जगह पे लिया तो चलेगा? यस एब्सोल्युटली चलेगा। तो यहां पे बी और डी ले लिया मैंने। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस किन दोनों के बीच में है? ए और बी के, यानी ए और बी के बीच में है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो बी और सी के बीच में है, बी यहां पे है, सी यहां पे है, इसका मतलब ये यहां पे है। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो सी और डी के बीच में है, सी कहां पे? यहां पे। डी कहां पे? यहां पे, इसका मतलब ये यहां पे है। गेटिंग द पॉइंट? इसका मतलब यहां पे ए है आपका, यहां पे बी है, ये आर आर आर, बेसिकली ये वाला और ये वाला जो सर्किट है वो एग्जैक्टली सेम सर्किट है, दोनों सर्किट एग्जैक्टली सेम है। लेकिन यहां पे मुझे समझ में आ जाता है यहां पे तीनों के तीनों कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलल है, एक दूसरे को पैरेलल है, ये ठीक से देख लेना। अब पैरेलल निकाल सकते हो आप, आर 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 निकाल दो, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। और एक छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं जो हमें हमेशा लगता है हमारे थोड़े से कैलकुलेशन कम करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना, छोटा सा कंसेप्ट। अब ठीक से देखना, सपोज ये R1 है, ये R2 है, दो रेजिस्टेंसेस है R1 R2, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल में है, ऑब्वियसली पैरेलल में हो तो क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहां पे मैं ठीक से कर लेता हूं उनको, तो क्या मिलेगा मुझे? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ठीक है, R1 R2, मैंने थोड़ी सी जंप लगा ली, ठीक से देख लेना, मैंने एलसीएम वलसीएम निकाल लिया उसका। सो R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब अगर R1 और R2 ये दोनों अगर सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंसेस हैं, अगर ये दोनों सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंसेस हैं, तो यहां पे क्या होगा? ये R1 नहीं रहेगा, R2 नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा मेरे पास? R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R, विच इज नथिंग बट R बाय 2, ठीक है, R बाय 2। तो ये वाला रेजिस्टेंस अगर सेम है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R बाय 2 होगा। अगर यहां पे मैं तीन रेजिस्टेंसेस लगा देता हूं तो याद रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है R बाय 3। अगर सेम तीन रेजिस्टेंसेस अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाता है? R बाय 3। अगर n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाता हूं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है R बाय n। याद रखना कितना बन जाता है? R बाय n बन जाता है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकम्स R बाय n। वैसे ही अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर मैं R R अगर दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में लगाता हूं तो क्या बन जाता है उसका? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R, यानी कितने रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए हैं? सेम रेजिस्टेंसेस 2, तो कितना कितना बन गया? 2R बन गया। अगर मैं n रेजिस्टेंसेस लगाता हूं, ठीक है ना, तीन लगाए मैंने, तो कितना होगा? 3R। अगर n रेजिस्टेंसेस लगाए तो कितना होगा? NR। ये वाली जो दो रिलेशनशिप्स है, ये दो रिलेशनशिप्स एकदम ठीक से याद रखना कि अगर सेम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है R बाय n, n इज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, और अगर सीरीज में लगाता हूं तो NR, ये NR मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल रेजिस्टर, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट याद रखना ठीक से। नाउ विल गो फॉर सम एग्जाम्पल्स थ्रू द
एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन 8, एज आई रिमेम्बर 8 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं, वी विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ देम। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, एक बैटरी है 9 वोल्ट की बैटरी, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। ठीक है ना, सो 9 वोल्ट की बैटरी दी हुई है और वो बैटरी जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम रेजिस्टेंस, इन सबके सीरीज कॉम्बिनेशन में वो लगाई गई है। इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं उनका सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ है। इसका मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, पांच रेजिस्टर्स हैं, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन। सो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट, सो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 ओम। तो कितना आएगा, 5 प्लस 5 1 होगा, 13 होगा, 13.4 हो जाएगा। सो 13.4 ओम्स, ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। देखो सर्किट कैसे है, सर्किट ऐसे है कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, पांच रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हुए हैं और उनको एक पोटेंशियल लगाया हुआ है 9 वोल्ट का। ठीक है, तो आपको पूछा है कि 12 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू कितना जाएगा। ठीक है ना, ये 0.2 कंसिडर करो, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम। ठीक है, तो 12 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो होगा ये पूछा गया है। सो बेसिकली सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, सबके थ्रू सेम करंट फ्लो होगा बिकॉज सारे के सारे सीरीज में है। तो सबके थ्रू अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा करंट, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। पूरे सर्किट में करंट कितना होगा, सो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। V कितना है आपका, V इज 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 13.4 ओम्स, तो इसका आंसर आएगा 0.67 एम्पियर्स। तो ये जो 0.67 एम्पियर्स है ये सब में से उतना ही करंट फ्लो होगा। सो 0.67 एम्पियर्स इज द फाइनल आंसर, दिस वैल्यू, दिस इज द करंट विल फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 ओम लाइन। यानी वो जो 176 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस में यूज कर रहा हूं वो सारे के सारे एक दूसरे को पैरेलल में होंगे, वो सारे के सारे मिला के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तैयार करेंगे और वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 220 वोल्ट की लाइन पे कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस कर रहा है। यानी उनका कहना यह है कि यहां पे ये 220 ओम्स की लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है ये, सॉरी 220 वोल्ट्स की लाइन है, 220 वोल्ट्स की लाइन है। इस 220 वोल्ट्स की लाइन पे बहुत सारे 176 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए हुए हैं। जैसे ही ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाता हूं और ये 220 वोल्ट्स की लाइन जो है, इसका मतलब इस लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट्स है, तो इस लाइन में तैयार हो जाता है 5 एम्पियर्स का करंट। तो ये सारे जो रेजिस्टेंसेस है कितने होने चाहिए सो दैट ये वाला करंट उसमें तैयार होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। सारे 176 के हैं, तो बेसिकली मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 220 वोल्ट की जो लाइन होती है उसपे 5 एम्पियर का करंट तैयार करने के लिए कितना बेसिकली रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, वो पहले फाइंड आउट करेंगे। सो R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है ना, तो V कितना आपका 220 वोल्ट है, I कितना आपका 5 एम्पियर है, सो आंसर कितना आएगा, 5 1 5 5 4 5 4। सो 44 ओम्स, यानी 220 ओम्स की लाइन, 220 वोल्ट्स की लाइन पे अगर मैं 44 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाता हूं तो मुझे 5 एम्पियर का करंट मिलेगा। यानी ये वाले जो सारे रेजिस्टेंसेस हैं 176 वाले, ये सारे 176 वाले रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 44। अब मुझे पता है कि ये सारे सारे सेम रेजिस्टेंस हैं, मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि अगर सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं तो उनका सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं,
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R डिवाइडेड बाय N, यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय N अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अब यहां पे R इक्विवेलेंट कितना है, आपको कितना रेजिस्टेंस चाहिए? तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए 44, यानी इन सारे रेजिस्टेंस ने मिलकर कितना रेजिस्टेंस करना चाहिए इक्विवेलेंट 44 ओम्स का। सो 44 इज इक्वल टू, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176, सो 176 डिवाइडेड बाय कितने चाहिए वही तो निकालना है, सो N, सो N इज इक्वल टू 176 डिवाइडेड बाय 44 विच इज नथिंग बट 4, यानी 176 ओम के चार रेजिस्टेंसेस अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो वो रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है 44 ओम्स, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस 220 वोल्ट्स की लाइन पे लगाने के बाद मुझे करंट मिलता है 5 एम्पीयर्स। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला लेक्चर, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, शो दैट हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस है रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम, 9 ओम के लिए आप कैसे लगाओगे एंड 4 ओम के लिए आप कैसे लगाओगे। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ट्राई करके देख, अब क्वेश्चन दिया गया है कि 6 ओम के रेजिस्टेंसेस कितने हैं, 6 ओम के रेजिस्टेंसेस 3 है, 6 ओम के रेजिस्टेंसेस 3 है, तीनों के तीनों सीरीज में लगाऊंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर तीनों के तीनों सीरीज में लगाऊंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 18, ये चाहिए क्या हमें, नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, तीनों को तीनों पैरेलल में लगाऊं तो क्या होगा, तो तीनों के तीनों पैरेलल में अगर लगाऊंगा तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 6/3 इज इक्वल टू 2, क्या ये चाहिए, ना ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब सारे के सारे सीरीज में और सारे के सारे पैरेलल में नहीं लगा सकता, सो आई हैव टू गो फॉर सम पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, उसके लिए जाना पड़ेगा। सो हाउ टू डू दैट, उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, सो ट्राई करके देखते हैं। अगर सपोज मैं 2 रेजिस्टर्सेस पैरेलल में लगा लेता हूं और उनमें से रिमेनिंग रेजिस्टर्स एक सीरीज में लगा दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सो ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ठीक है। अगर ये तीनों 6 ओम के हैं तो ये 6 ओम पैरेलल में है तो दोनों इक्वल है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम होगा, सही है ना, 3 ओम 6 6, ठीक है। सो इन इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का, सिर्फ इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड डिवाइडेड बाय 2 मींस 2 रेजिस्टेंसेस है ना इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सो कितना होगा 3। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस यानी ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 6, तो इसका क्या होगा, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा मुझे, आई विल जस्ट चेंज द पेन, सो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 3 ओम, तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ये है, यानी इन दोनों को निकाल दूंगा तो चलेगा, यस इन दोनों को निकाल के सिर्फ 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट करूंगा तो चलेगा, सो 3 ओम इज इन सीरीज विद 6 ओम, तो कितना मिला 9 ओम, चाहिए क्या हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस, यस हमें 9 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ये मिल गया, इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, पहला कॉम्बिनेशन 2 को पैरेलल में लगा दो और 1 को सीरीज में लगा दो। दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा क्या ट्राई करेंगे, 2 को सीरीज में लगाते हैं 1 को पैरेलल में लगा देंगे, सो विल ट्राई दैट, सो 2 को सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6, और 1 को पैरेलल में लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है 6। अब ट्राई करके देखते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, इन दोनों का मिला के 6+6 कितना होगा, तो इन दोनों को निकाल के मैं क्या सिर्फ इतना रख सकता हूं 6+6 12 ओम का रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों को निकाल दिया मैंने। अब 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर इन पैरेलल, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 विच इज नथिंग बट R1 R2 कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6+12, तो कितना मिलेगा 12 6 72 डिवाइडेड बाय 18 सो इज इक्वल टू 4 ओम, यस ये मिल गया। इसका मतलब पहला कॉम्बिनेशन में क्या किया आप लोगों ने, पहले कॉम्बिनेशन में 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, और दूसरे कॉम्बिनेशन में पहले कॉम्बिनेशन में 2 पैरेलल में 1 सीरीज में, और दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 सीरीज में 1 पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गॉट कि 4 ओम का रेजिस्टेंस भी मिल गया हमें और 9 ओम का रेजिस्टेंस भी मिल गया हम लोगों को।
ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे करना है, ठीक है ना। सो हाउ टू गेट दिस, आपको तो पता होगा इसलिए आपने कर लिया, तो हम कैसे करें। सो इट इज गोइंग टू कम विद प्रैक्टिस, ठीक है ना। आप जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे उतने ज्यादा कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको आंसर्स आएंगे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है ना। अलग अलग बुक में से अगर इस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस निकालोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज ऑन 220 लाइन इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वैट्स पावर रेटिंग। पावर रेटिंग इसकी कितनी है? 10 वैट्स, यानी 220 वोल्ट 10 वैट्स। आपके घर में भी अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होंगे तो उनपे पावर रेटिंग दी जाती है। पावर रेटिंग कैसे दी जाती है? 350 वैट्स 220 वोल्ट्स, 350 वैट्स 230 वोल्ट्स, 500 वैट्स 230 वोल्ट्स, ऐसे दी जाती है। इसका मतलब होता यह है कि दे कंज्यूम पावर ऑफ 350 वैट्स व्हेन दे आर पुट ऑन द लाइन ऑफ 220 वोल्ट्स। 220 वोल्ट्स की लाइन पे वो कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, 350 वैट्स वाली या फिर जो भी उनकी वैटेज होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो कंज्यूम करते हैं। सो यहां पे दिया हुआ है कि उनका 10 वैट उनकी रेटिंग है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन सो दैट 220 वोल्ट कहां गया 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पीयर। एग्जैक्टली सिमिलर एग्जाम्पल है जो हमने पहले किया था 176 वाला, तो यहां पे भी वही करेंगे। देखो याद रखना, जब कभी भी आपको पावर रेटिंग दी गई है इसका मतलब डायरेक्टली आपने आपको उन लोगों ने उस पर्टिकुलर डिवाइस का रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है ना। ट्राई करो मैं ये क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, पॉज करके सोचो कि मैंने क्या कहा, ठीक है ना। सो आई जस्ट रब द बोर्ड, सो विल कंटिन्यू, ठीक है। तो ये सारे जो बल्ब है, सारे के सारे बल्ब 10 वैट के बल्ब दिए हुए हैं, ठीक है ना, 10 वैट के बल्ब दिए हुए हैं, और हर एक जो बल्ब है वो हर एक बल्ब 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाया हुआ है, ठीक है, देखना ठीक से। सो मुझे पता है कि ये सारे बल्ब जो है वो 220 वोल्ट सप्लाई पे लगाने के बाद 10 वैट पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, 10 वैट पावर उनकी रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। So, V square की वैल्यू 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 ये 0 कटा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 22, ठीक है ना, 22 मल्टीप्लाइड बाय 22 कितना मिलेगा आपको, 4840 ओम्स। सो 4840 ओम्स आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो 4840 वैल्यू रेजिस्टेंस की है, यानी एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। तो सिंपल सी बात है, पहले जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। वहां पे क्या पूछा था कि 176 ओम रेजिस्टेंस वाले कितने रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगाने पड़ेंगे ऑन द लाइन ऑफ 220 वोल्ट्स सो दैट इट विल प्रोड्यूस द करंट ऑफ 5 एम्पियर्स। यहां पे भी वही पूछा है। सो इसका मतलब यह है कि यहां पे कौन सा है, ये 4840 इस ओम के रेजिस्टेंस कितने लगाने पड़ेंगे अक्रॉस द लाइन ऑफ 220 वोल्ट सो दैट इट विल प्रोड्यूस द करंट ऑफ आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर्स, खत्म। अब 220 वोल्ट पे 5 एम्पियर्स करंट लाने के लिए एग्जैक्टली रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ता है, सो आर इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना आपका 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय आई कितना आपका 5 एम्पियर्स विच इज नथिंग बट 44 ओम्स। यानी ये वाले जो सारे रेजिस्टेंसेस है 4840 वाले, इन सारे रेजिस्टेंस को अगर मैं पैरेलल में लगाता हूं तो मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, सो नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए 44 ओम्स आना चाहिए। इसका मतलब ये सारे अगर पैरेलल में है तो मैं कह सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एन विच इज नथिंग बट आर इक्विवेलेंट कितना चाहिए आपको 44 चाहिए, एक विच इज इक्वल टू एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4840 डिवाइडेड बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो वही तो निकालना है। सो एन इज इक्वल टू 4840 डिवाइडेड बाय 44, फाइनल आंसर उसका आता है 110, यानी 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे मुझे, कितने लगाने पड़ेंगे 110 बल्ब लगाने पड़ेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट वाले एग्जांपल्स ट्राई करते जाओ, यू कैन फाइंड द आंसर्स, ठीक है ना। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।